नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैन मीडिया के ऊपर। मैं आपके साथ मंजीत चौधरी। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज हम जो हाल ही के अंदर ट्रेंड के अंदर चल रहा है वो आपके नजर लेके आ रहा हूँ। बॉलीवुड का खेल, यानी कि ये बॉलीवुड के अंदर क्या धमाल मचा हुआ है इसके बारे में देख रहे हैं हम। अभी हाल ही के अंदर बायकॉट, ये बहिष्कार वाला सिस्टम चल रहा है, तो इसके अंदर कौन कौन सी मूवियों को यहाँ पर बहिष्कार कर दिया गया, कौन कौन से नेता जो एक्टर्स का यहाँ पर बहिष्कार कर दिया गया, तो हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ट्रेंड के अंदर अभी हाल ही के अंदर जो अपने सामने मूवी आ रही है गदर 2, जिसका लोगों को बहुत बेसरी से इंतजार है, तो इसके लिए बहुत ही लोगों को इंतजार है, इसके लिए बहुत ही लोग इंतजार कर रहे हैं कि गदर 2 के अंदर क्या आएगा, किस प्रकार से होगी ये सारी। यानी कि हम देख सकते हैं 2001 के अंदर गदर 1 आई थी, उसके अंदर बहुत ही शानदार वहां पर सीन दिखाई दिया, वहां पर गलत तरीके से डायलॉग किया गया, जो कि वहां पर डायरेक्टर अनिल शर्मा थे और वहां पर हीरो सनी देओल और अनिशा पटेल, तो वहां पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से उनको द्वारा सीन किया गया। वहां पर जो सीन किया गया था वो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया, बहुत ही ज्यादा उसको पसंद किया गया। उसी प्रकार अभी भी उसका इंतजार है कि किस प्रकार से आएगा, किस प्रकार से वो पाकिस्तान से हेडबम तोड़ करके सकीना को लेके आता है तारा सिंह, ये सारी कहानी आपके सामने आ रही है। तो आपको किस प्रकार से हम यानी कि सबको इंतजार चल रहा है कि गदर 2 कब आने वाली है। हाँ दोस्तों, बताऊंगा गदर 2 कब आने वाली है, बने रहिए आप मेरे साथ। अभी हाल ही के अंदर आपको अभी अभी थोड़े दिन पहले की न्यूज है कि गदर 2 का लगभग यानी कि 15 अगस्त को यहाँ पर ओपन होने वाले थे, लेकिन यहाँ पर शूटिंग ही पूरी नहीं हुई, इसके कारण ये नहीं हो पाई। अब इसका कहने का मतलब है, ये कह रहे हैं कि 2023 के अंदर ये मूवी आने वाली है, 2023 के अंदर इसका यानी ये मूवी आने वाली है, और लोगों को बेसब्री से इंतजार है, लोग इसका इंतजार कर रहे हैं हर जगह। सोशल मीडिया पर देखो तो इसके बारे में कह रहे हैं कि हमें इस बहिष्कार के चक्कर में नहीं, हम बॉलीवुड के चक्कर में नहीं देखेंगे, हम तो अपने सनी देओल के चक्कर में देखेंगे। सबका यही जुबान पे सबके यही है कि हम हमारे सनी देओल के लिए देखेंगे इस मूवी को। तो इस प्रकार से लोगों की ये सोच है और इस प्रकार से बनी हुई है, लोग इसके लिए खुश हैं, कोई इसका बहिष्कार नहीं कर रहा। गदर 2 एक देशभक्ति मूवी है जो कि देश के लिए बहुत ही शानदार है, देशभक्ति मूवी है। इसके अंदर कोई संस्कृति का, कोई धर्म का यहाँ पर विरोध नहीं किया गया है, बहुत ही शानदार मूवी है, इसलिए इनको यानी लोगों की यहाँ पर पहली चाहत बनी हुई है। और यहाँ पर लाल सिंह चड्ढा जैसी मूवियों का यहाँ पर बहिष्कार किया गया है, क्योंकि वहां पर संस्कृति को बिगाड़ा गया था और वहां पर जो भी संस्कृति थी, जिसका जो भी धर्म था, उसको क्या कर दिया गया था, बिगाड़ा गया था, यहाँ पर छेड़छाड़ की गई थी, इसलिए लोगों को पसंद नहीं आई। और इस प्रकार से जो भी हीरो थे इस प्रकार की मूवी बनाने वाले वो फ्लॉप होते जा रहे हैं, यही बहिष्कार का काम हो रहा है कि यहाँ पर जो भी अभिनेता है, अभिनेत्री है, वो फ्लॉप होती जा रही है, यही कारण है। लेकिन गदर 2 यहाँ पर आने वाली है, गदर 2 के अंदर यहाँ पर बड़े ही रूप के अंदर सनी देओल अच्छा रोल निभाते नजर आएंगे। वहां पर एक सॉन्ग, एक गाना, मैं निकला गड्डी लेके, यानी कि मैं निकला गड्डी लेके, ये सॉन्ग बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाया जा रहा है, इसको भी नए नजरअंदाज के अंदर यानी नए रूप के अंदर देखा जाएगा। इस प्रकार से सामने आ रहा है जो भी अभी हाल के अंदर न्यूज आई है, इसके अंदर देखा गया है कि गदर 2 का जो सॉन्ग है मैं निकला गड्डी लेके, इस प्रकार के इस सॉन्ग में कुछ बदलाव करके और भी जबरदस्त तरीके से बनाया गया है। और सनी देओल हर हिंदुस्तान की चाहत है, इसीलिए इसका इंतजार बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि गदर 2 कब आएगी, लोगों की चाहत बनी हुई है। इस प्रकार से ट्रेंड के अंदर ये चल रहा है कि और इसका कोई बहिष्कार नहीं करेगा, क्योंकि ये देशभक्ति मूवी है और इसके अंदर जो सनी देओल हैं वो पहले से भी किसी धर्म और किसी नसब से किसी से भी छेड़छाड़ नहीं की, उन्होंने अच्छी प्रकार से संस्कृति को रखा और सभी धर्मों को साथ रखा। इस प्रकार से ये लोगों की पसंद बन रही है ये मूवी, तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ये मूवी 2023 के अंदर रिलीज होने वाली है और इसके अंदर बताया जा रहा है 80 से 100 करोड़ के बीच में ये मूवी है। और इस प्रकार से यानी कि लोगों की पसंद बनी हुई है, और आपको कमेंट के अंदर ये बताना होगा कि आपको किस प्रकार से बेसब्री में इंतजार है इस मूवी का और किस प्रकार से आपको कैसी लग रही है, आप भी इसके लिए तैयार हो गया, इस प्रकार से आप कमेंट के अंदर बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।